हेलो बच्चों, आज हम अध्याय 6 स्थानीय स्वशासन के भाग 1 पे चर्चा करेंगे। तो बच्चों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे स्थानीय स्वशासन पर और पंचायती राज पे। तो चलो शुरुआत करते हैं हम स्थानीय स्वशासन से। बच्चों, सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि स्थानीय स्वशासन की परिभाषा या अर्थ क्या होता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, स्थानीय स्वशासन अर्थात ऐसी शासन व्यवस्था जो कि किसी स्थान स्तर पे सीमित हो। जैसे कि अगर हम गांव की बात करें, तो बताइए गांव में किस प्रकार की शासन व्यवस्था पाई जाती है? जी हाँ, पंचायती राज। और अगर हम शहरी क्षेत्रों की बात करें, तो सोच कर देखो शहरी क्षेत्रों में किस प्रकार की शासन व्यवस्था पाई जाती है। जी हाँ, नगर पालिका तथा नगर निगम। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम शुरुआत करते हैं पंचायती राज से। तो सबसे पहले हमें जहां पे ये जानना चाहिए कि पंचायती राज आखिर होता क्या है। बच्चों, पंचायती राज अगर हम इसकी परिभाषा या अर्थ की बात करें, तो यह शासन व्यवस्था का वह स्वरूप है जो ग्रामीण क्षेत्रों में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों द्वारा संचालित की जाती है। अर्थात पंचायती राज ग्रामीण क्षेत्रों में देखी जाती है, जो कि आप सबको पता होगा। बच्चों, आप बात कर रहे हम झारखंड राज्य की, तो पंचायती राज व्यवस्था झारखंड राज्य में 3 स्तरों पे कार्य करती है। पहला है ग्राम स्तर पे, दूसरा है प्रखंड स्तर पे और तीसरा है जिला स्तर पे। अगर इसको थोड़ा हम और डिटेल में या अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें, तो आप इसके द्वारा समझ सकते हैं। ग्राम पंचायत अर्थात ग्राम स्तर पे, उसके ऊपर होता है पंचायत समिति जो कि मध्यवर्ती स्तर कहलाता है, और सबसे ऊपर होता है जिला परिषद जो कि जिला स्तर पे होता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और इन सभी स्तरों को एक-एक करके इनका अध्ययन करते हैं। तो आइए अब हम अध्ययन करते हैं ग्राम स्तर पे पंचायती राज व्यवस्था पे। बच्चों, आपसे अगर पूछा जाए कि पंचायती राज प्रणाली की महत्वपूर्ण इकाई कौन है, तो आपका उत्तर होना चाहिए ग्राम पंचायत। क्योंकि जब हम बात करते हैं पंचायती राज की, तो यह व्यवस्था में सबसे पहले या सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होनी चाहिए वो होती है ग्राम पंचायत की उपस्थिति। अब यहाँ पे सवाल होता है कि ये जो ग्राम पंचायत है, इसका गठन कैसे होता है? तो दोस्तों, इसके गठन में जो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य हैं और मुखिया, ये दोनों सम्मिलित होते हैं। अर्थात इसका गठन इन दोनों के द्वारा ही होता है। बच्चों, पंचायती राज व्यवस्था की प्रशासनिक इकाई ग्राम पंचायत होती है, जो अपने पंचायत का या अपने पंचायत के विकास के लिए कार्य करती है। ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्य अगर हम जाने तो कौन कौन होते हैं? मुखिया और वार्ड सदस्य। अर्थात आपसे जब पूछा जाए कि ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्य कौन कौन होते हैं, तो आपका उत्तर होना चाहिए मुखिया और वार्ड सदस्य। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम अपनी चर्चा ग्राम स्तर पे
पंचायती राज व्यवस्था पे जारी रखेंगे और अब हम चर्चा करेंगे मुखिया पर। दोस्तों, क्या आप जानते हैं मुखिया कौन होता है? क्या आपको पता है मुखिया किसे कहते हैं? बच्चों, मुखिया जो है वो ग्राम पंचायत का प्रधान होता है, अर्थात वो ग्राम पंचायत का हेड होता है। अच्छा, अब यहाँ पे आपके मन में ये सवाल उठ रही होगी, तो मुखिया कौन बन सकता है? क्या मैं भी मुखिया बन सकता हूँ या मैं भी मुखिया बन सकती हूँ? नहीं बच्चों, मुखिया बनने के लिए किसी भी व्यक्ति की उम्र 21 वर्ष तो होनी ही चाहिए, अर्थात मुखिया बनने के लिए अभी आपकी उम्र बहुत ही कम है, क्योंकि आप सब अभी 21 वर्ष से कम हो। बच्चों, मुखिया के पद के लिए एक चीज और अनिवार्य है, वह यह कि जब वो मुखिया के पद के लिए खड़ा होता है तो उस समय वो किसी भी सरकारी नौकरी में कार्यरत नहीं होना चाहिए। वो एनजीओ वगैरह में काम कर सकता है, पर जहां उसको काम के बदले पैसा मिल रहा हो, ऐसी किसी भी सरकारी नौकरी में वो सम्मिलित नहीं होना चाहिए। बच्चों, मुखिया का निर्वाचन प्रत्येक 5 वर्ष में वयस्क मतदाताओं के द्वारा किया जाता है, अर्थात मुखिया का जो चुनाव होता है वो 5 वर्ष के बाद होता है। जैसे कि अगर 2010 में मुखिया का चुनाव हुआ तो अगली मुखिया का चुनाव 2015 के बाद होगा। और दोस्तों, इसमें वही व्यक्ति वोट दे सकता है जो 18 वर्ष की आयु से अधिक हो या 18 वर्ष का हो। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम अपनी चर्चा को ग्राम स्तर पे पंचायती राज व्यवस्था पे जारी रखते हैं। तो बच्चों, अब हम चर्चा करेंगे कि ये जो मुखिया है, आखिर उसके कार्य क्या क्या होते हैं। तो मुखिया का जो कार्य होता है, उसमें उसकी सबसे प्रथम कार्य होता है ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता करना। अर्थात जब गांव में सभा बैठती है तो उस सभा का वो लीडर होता है और उस सभा को वो लीड करता है, अर्थात उस सभा को वो स्टार्ट करता है। इसके अलावा वार्ड सदस्यों के बहुमत से विकास योजनाओं को स्वीकृत करवाना, अर्थात गांव में या गांव के विकास के लिए जो भी योजनाएं हैं उसको वह वार्ड सदस्यों की सहायता से उन योजनाओं को स्टार्ट करवाता है। इसके अलावा कर्मियों पे प्रशासनिक नियंत्रण रखना, अर्थात उसके अंडर में जितने भी कर्मी हैं उन पे या उनके कार्य पे और उनके कार्य प्रणाली पे वो नियंत्रण रखता है। इसके अलावा पंचायती निधि से भुगतान के लिए चेकों को जारी करने का भी कार्य मुखिया का होता है, अर्थात जो निधि या फंड सरकार एक गांव के विकास के लिए पंचायत को देती है, तो मुखिया का कार्य होता है कि वह उस निधि या पैसे का सही इस्तेमाल करे और गांव के विकास के लिए उपयोग में ले। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम ग्राम स्तर पे पंचायती राज व्यवस्था पे अपनी चर्चा को जारी रखते हैं। अब हम बात करते हैं उप मुखिया की, क्योंकि हमने मुखिया की चर्चा कर ली। अब उसके बाद जो पद आता है वो है उप मुखिया की। तो उप मुखिया कौन होता है? बच्चों, उप मुखिया का चुनाव वार्ड सदस्य मिलके अपने पंचायत से ही किसी एक वार्ड सदस्य का करते हैं, अर्थात जो उप मुखिया होता है वो सदस्यों में से ही कोई एक सदस्य चुना जाता है और उसका कार्य है कि जब
मुखिया अनुपस्थित हो या जब मुखिया उपलब्ध नहीं हो तो उसके बिहाफ में वह बैठक की संचालन कर सके और विकास कार्यों को संपादित कर सके। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम अपनी चर्चा ग्राम स्तर पे पंचायती राज व्यवस्था पे जारी रखते हैं। अब हम चर्चा करेंगे वार्ड सदस्य की, कि ये वार्ड सदस्य होते कौन है। बच्चों, यहाँ पे क्या होता है कि एक ग्राम पंचायत को जनसंख्या के अनुसार छोटे छोटे वार्डों में बांट दिया जाता है और प्रत्येक वार्ड से एक वार्ड सदस्य का चुनाव किया जाता है। वह जो वार्ड सदस्य है वह अपने वार्ड के विकास के लिए मुखिया से मिलके कार्य करता है, अर्थात मुखिया के साथ मिलके वो अपने वार्ड के विकास के लिए योगदान देता है। बच्चों, आपके मन में जहाँ पे यह प्रश्न जरूर उठ रही होगी कि गांवों को छोटे छोटे वार्डों में क्यों विभाजित किया जाता है। बच्चों, यह सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि अगर गांव बहुत बड़ी जनसंख्या वाली होगी तो उस पे नियंत्रण करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हर क्षेत्र का सही विकास हो और हर क्षेत्र पे अच्छी तरह नियंत्रण रखा जाए, इसीलिए उसको छोटे छोटे वार्डों में विभाजित कर दिया जाता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम ग्राम स्तर पे पंचायती राज व्यवस्था पे अपनी चर्चा को जारी रखते हैं। अब हम चर्चा करेंगे पंचायत सेवक पे। ग्राम पंचायत का एक सचिव, ग्राम सभा का भी सचिव होता है, परंतु इसका चुनाव नहीं होता बल्कि उसकी नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। बच्चों, सचिव का जो कार्य है वह यह है कि उसे ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठकें बुलानी होती है और वहां जो भी चर्चा या निर्णय लिया जाता है उसका रिकॉर्ड रखना होता है। चलिए आगे बढ़ते हुए हम अपनी चर्चा ग्राम स्तर पे पंचायती राज व्यवस्था को जारी रखते हैं और अब हम चर्चा करेंगे ग्राम सभा पे। बच्चों, ग्राम सभा ग्राम पंचायत की विधायिका होती है, अर्थात एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्क मतदाता इसके सदस्य होते हैं और ग्राम पंचायत गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अर्थात ये जो ग्राम सभा है वह ग्राम पंचायत के मनमाने ढंग से काम करने पे रोक लगाती है और साथ ही पैसों का दुरुपयोग एवं गलत काम ना हो इस पे भी निगरानी रखती है। बच्चों, क्या आप जानते हो भारत में पहली पंचायती राज व्यवस्था कहाँ हुई थी या कहाँ बनी थी? तो इसका उत्तर है राजस्थान के नागौर जिले में और यह 2 अक्टूबर 1959 में शुरू की गई थी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अब हम ग्राम सभा के महत्वपूर्ण कार्य पे चर्चा करेंगे। तो बच्चों, सबसे महत्वपूर्ण जो एक ग्राम सभा का होता है वह है सफाई एवं स्वच्छता पे ध्यान देना, अर्थात गांव को साफ सुंदर और स्वच्छ बनाए रखना। इनका दूसरा मुख्य कार्य है पर्यावरण संरक्षण, अर्थात वृक्ष की कटाई को रोकना और वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करना ताकि हमारा जो गांव है वो हरा भरा बना रहे। ग्राम सभा का महत्वपूर्ण कामों में से
एक काम है ग्राम सभा की संपत्ति की सुरक्षा, अर्थात जो संपत्ति या जो निधि ग्राम को सरकार के द्वारा उसके विकास के लिए दी जाती है, उस निधि का या उस पैसे का सही इस्तेमाल हो, इस चीज की निगरानी ग्राम सभा रखता है। इसके अलावा ग्राम सभा जो है वो गरीबी उन्मूलन का भी कार्य करती है, अर्थात गांव से गरीबों को दूर करने के लिए वो अनेक कार्य या अनेक योजनाएं बनाती है, जिसके कारण लोग ज्यादा से ज्यादा रोजगार में शामिल हो सकें। चलिए अब हम चर्चा करते हैं ग्राम पंचायत के कार्यों पे। तो बच्चों, ग्राम पंचायत के कार्यों में सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देना। इसके लिए ग्राम पंचायत का ये दायित्व होता है कि वह गांव में अच्छे से अच्छे स्कूल और शिक्षित शिक्षकों की व्यवस्था कर सके। उसके अलावा गांव में बिजली की सही पहुंच हो, अर्थात गांव में बिजली 24 घंटे उपलब्ध हो, इस बात पे भी ग्राम पंचायत ध्यान रखती है। उसके अलावा गांव में पीने का जल, सड़क, पुल आदि की व्यवस्थाओं का भी ग्राम पंचायत ध्यान रखती है। गांव में पशुपालन, मत्स्य पालन, दूध उद्योग, इन सारे उद्योगों को बढ़ावा देने का भी कार्य ग्राम पंचायत का ही होता है। इसके अलावा मनरेगा के तहत मजदूरों को काम देना और सही समय पे उनके वेतन का भुगतान करवाना भी ग्राम पंचायत के कार्य के अंतर्गत ही आता है। बच्चों, इसके अलावा ग्राम पंचायत इस बात पे भी ध्यान देती है कि गांव में कृषि और बागवानी की योजनाएं सुनियोजित ढंग से हो सके, ताकि हमारा गांव हरा भरा रह सके। गांव के वार्षिक योजना व बजट तैयार करना भी ग्राम पंचायत के ही कार्य होते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। बच्चों, इस वीडियो में हमने चर्चा की स्थानीय स्वशासन तथा पंचायती राज पे, जिसका रेफरेंस है सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक। अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रखंड स्तर पे पंचायती राज व्यवस्था, जिला स्तर पे पंचायती राज व्यवस्था और नगर निकाय या नगर प्रशासन पे। तब तक के लिए धन्यवाद।